हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किसान डेयरी फार्म में। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा कि हम भैंस का दूध कैसे बढ़ाएं। हम आपको आज देसी फॉर्मूला बताएंगे, बिल्कुल देसी टिप्स देंगे आपको कि किस तरह से आप अपनी भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। ना कोई केमिकल, ना मिनरल मिक्सर, उसके अलावा हम आपको बताएंगे अपनी भैंस का दूध कैसे बढ़ाएं। तो आप अच्छा फीड अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या देना है अपनी भैंस को, जिससे आपकी भैंस दूध से ग्रोथ करे और सेहत से भी। तो दोस्तों पहले तो आपको लेना है बिनोला। बिनोला डालना है, चने की चूरी और चने का छिलका और बिनोले की खल और मेन गेहूँ का दलिया। ये देख लो दोस्तों, इन सबको मिक्स करके सबको मिक्स कर लो आप और अपनी भैंस को डाल दो। इसके अलावा कोई अच्छा फीड नहीं है दोस्तों। ये पांच छह चीज़ जो आपको बताई हैं यही बेस्ट फीड है, इसी से भैंस का दूध बढ़ता है और केमिकल वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बार बढ़ता है और फिर वापस उसमें गिरावट आ जाती है, वो जितना पहले देती थी उतना ही देता है और पशु को नुकसान भी होता है इससे दोस्तों। ना हम कोई मिनरल मिक्सर देते हैं दोस्तों और ना ही कोई केमिकल जो आती हैं हैवी रेट की, जिससे गायें भैंस ज़्यादा दूध देती हैं, हम कुछ नहीं देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या देना है जिससे आपकी गाय की सेहत भी बनी रहे और दूध में और ज़्यादा इजाफा हो। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने पशु को देनी है दोस्तों मेथी, डेली एक टाइम देनी है। और मेथी के फ़ायदे मैं बता दूँ दोस्तों, मेथी से अगर आपका पशु हिट में नहीं आता तो भी हिट में आता है जल्दी, और जो इस पशु का दूध पीता है उस मनुष्य को भी इससे फ़ायदा होता है, उस इंसान को फ़ायदा होता है। और फ़ायदा ये होता है दोस्तों, अगर उसे बाबादी गठिया जो भी है उसमें उसे आराम मिलता है। और आप इस दाने को आप किसके साथ दें, कैसे दें, आप इसके साथ चोकर और गुड़ भी ले सकते हैं। तीनों का मिश्रण करके आप ये मान के चलो आधा किलो अपने पर पशु के हिसाब से डाल दो ने, इससे आपके मिनरल मिक्सर कैल्शियम सब की पूर्ति होती है दोस्तों और इससे आपके पशु का दूध अच्छा रहता है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, हम भी अपने पशुओं को यही डालते हैं जो फीड हमने बताया है। ये हमारी भैंस आप देख रहे हो 16 लीटर मिल्क देती है और अच्छे टाइम से हीट में आ जाती है। ये एक महीने के बाद में हीट में आ जाती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यही बेहतर फीड है दोस्तों, जो केमिकल के फीड आते हैं उनसे। अगर दोस्तों हम केमिकल वगैरह मिनरल मिक्सर कैल्शियम ये ज़्यादा देते रहते हैं अपने पशु को, तो वो एक बार तो दूध दिखाता है कि दूध बढ़ रहा है हमारे पशु का, लेकिन जब वो बंद कर देते हैं तो वो उतना ही दूध देती है जितना पहले देती है। तो इसलिए दोस्तों जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है उसे आप एक बार आजमा के ज़रूर देखें, 100% आपके पशु के दूध में इजाफा होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम बेसारा पशुओं की भी मदद करते हैं दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आगे अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे फॉर्मूले, अच्छे टिप्स के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।